पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भु विभावुका। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। कल मैंने आपको बताया था, न इसमें छिलका है, न गुटली है, न कोई बीज है, ये पका हुआ फल है। समस्त शास्त्रों का निचोड़ा हुआ रस है। अच्छा महाराज, अगर ये फल है, आप कह रहे हो वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल हमने मान लिया, अगर ये फल पक करके नीचे गिर गया तो ये तो फट गया होगा, धूल दूषित हो गया होगा। बोले नहीं नहीं, ये हाथों हाथ ऊपर से नीचे आया है। नारायण की टहनी से टूटा, ब्रह्मा जी की टहनी पर आकर के अटक गया। ब्रह्मा जी की डाल से टूटा, नारद जी की डाल पर आकर के अटक गया। नारद जी की डाल से टूटा, व्यास जी की डाल पर आकर के अटक गया। और व्यास जी ने सुंदर अपने बेटे को इसको दान में दिया। ये हाथों हाथ आया है। और सुनो, निगम कल्पतरोर गलतम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। आपने देखा होगा बाग में फल लगे रहते हैं और समय आने पर ही वो पकते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें तोता चोंच मार दे आकर के तो वो फल मीठा हो जाता है। तोता की चोंच लगने पर वो फल जब मीठा हो जाता है तो कहते हैं वाह कितना अच्छा लग रहा है, तोते की चोंच इसमें लग गई है और मीठा हो गया है। या तो ऐसे मान लीजिए या फिर ऐसे मान लीजिए, तोता उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा होता है। तो जो वीतरागी संत हैं, निष्कपट संत हैं, जिन्हें माया छू भी नहीं सकती, ऐसे सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से स्पर्श होकर के निकला हुआ फल है जिसका हम सभी आज पान कर रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलतम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। बोले ठीक है मान लिया, फिर इसका क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भु विभावुका। बोले इस रस का पान करो, इस रस को पियो। बोले कब तक पिए? बोले आलयम, जितना पिया जाए आपसे तब तक इस रस को आप पान करें। और ये रस कैसा है? बोले स्वर्गे सत्ति च कैलासे बैकुंठे नास्ति यम रस। नहीं रस आपको स्वर्ग में मिलेगा, न कैलाश में मिलेगा, न बैकुंठ में मिलेगा। फिर बोले जो रस बरस रहो बरसाने सो रस बैकुंठों में नाय। जो रस भगवत धाम में बरस रहा है, यहाँ पर बरस रहा है, वो स्वर्ग में भी आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। इसलिए इस रस का हम सभी को पान करें। और कैसे भक्त जो कपट रहे थे, ऐसे भक्त तो करें ही करें, लेकिन विशेष में बताया कि शांति कीर्त कालक तुम वृक्तिर शून्य मानता आशा बद्ध समुत्कंठाम नाम गाने सदा रुचि। बोले जो भावुक हैं, रसिक हैं, जिनके दिमाग में कुतर्क नहीं चलता, जो ज्ञान के अभिमान को दूर रख करके केवल कथा पांडाल में कथा सुनने के लिए आते हैं, ऐसे भक्तों के पान करने योग्य ही रस है। आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वसस्तले इत्यादयोनुभावा सुरजात भवांकुरे जने। अव्यर्थ कालत्वम, कैसे जो एक क्षण भी अपना व्यर्थ समय में नहीं गंवाते। बहुत से होते हैं ना गांव में, शहरों में भी होते हैं, चौराहे पर बैठ जाते हैं, ताश खेलते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, बस। और जैसे शाम हुई अपने घर आकर के खाएं पिए फिर सो जाएं। बहुत से गांव में होते हैं, 10-5 ऐसे मिल जाते हैं कि बस देख लेते हैं भाई सबका काम हो गया, अब तो बस ताशों की तैयारी होने वाली है, पहुंचो जल्दी। और फिर महाराज उनसे कहो ना कि ये काम होना है धर्मार्थ का, वहां नहीं। फिर तो बोली ये धैला है, ये पंजा है, ये चौका है महाराज। और फिर इतनी तेज चिल्लाएंगे, बच्चे भी बुलाने के लिए जाए तो फिर सुनते भी नहीं। एक माता जी आकर के बोली महाराज वैसे तो हमारे पति खूब ठीक हैं, बढ़िया हैं, खूब काम करते हैं, लेकिन समस्या है कि हमारी सुनते नहीं।
सुनते नहीं। बोले क्या हुआ? बोले जब ताश खेलने के लिए जाते हैं मैं बार बार बच्चों को भेजती हूँ तो कहते हैं बस अभी दो मिनट में आए, अब की बारी, अब की बाजू पूरी हो जाए, बस पांच मिनट में आ रहा हूँ। पांच मिनट करते करते पांच घंटे बाद महादेव आते हैं घर पर, इसलिए मैं बड़ी परेशान हूं। अब देखो जब बच्चों को परेशानी हो रही है, पत्नी को परेशानी हो रही है, तो फिर उस कार्य को करने से फायदा क्या? लेकिन हम नहीं मानते। अव्यर्थ कालत्वम, जो अपना एक मिनट भी व्यर्थ में नहीं गवाते, ऐसे भक्तों के जानने योग्य श्रीमद् भागवत कथा है। फिर कहा विरक्ति, जिन्होंने संसार की समस्त विषयों को आसक्ति को त्याग दिया हो उनकी जानने योग्य श्रीमद् भागवत है। तीसरी बात आई मान शून्यता, जिन्हें मान सम्मान की इच्छा नहीं होती, बहुत से होते हैं ना, हम जाएंगे हमारा नाम मंच से लिया जाए, जब तक व्यास जी हमारा नाम नहीं लेंगे तब तक हमें सम्मान ही नहीं मिलेगा। मान शून्यता, हम वहां पर गए, उन्होंने जो यजमान थे उन्होंने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं, हम तो कल से जाएंगे भी नहीं। जो बिल्कुल मान शून्य, जिन्हें सम्मान की चाह नहीं है, ऐसे भक्तों के जानने योग्य श्रीमद् भागवत कथा। तीसरा है आशाबद्ध, श्री कृष्ण के प्रति विषय में वो कभी निराश नहीं होते, जो आशाबद्ध हैं। कैसे? सबरी मैया की तरह, बोलो राधे राधे। कैसे? सबरी मैया की तरह, जो ऐसा नहीं कि पंडित जी ने बताया 16 सोमवार व्रत कर लेना तेरा काम हो जाएगा, और शंकर जी ने अगर काम को नहीं बनाया तो बोले हमने तो 16 सोमवार व्रत रखा लेकिन शंकर जी ने तो हमारी सुनी नहीं, हमने इतने दिन शुक्रवार संतोषी मैया के व्रत रखे लेकिन लक्ष्मी मैया ने हमारे ऊपर कृपा की नहीं। अब शंकर जी हटा दिए, लक्ष्मी मैया हटा दी, बोले भैरव बाबा की पूजा कर रविवार को, भैरव जी प्रसन्न हो जाएंगे, काले कुत्ते को तेल पर रोटी चुपड़ करके खिलाना, और फिर मैया की शाम को है रात्रि में तेल की रोटी चुपड़ेगी, कुत्ता को ढूंढेगी। लेकिन सबरी कैसी है? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 वर्ष तक जिसने भगवान का आने का इंतजार किया आशाबद्ध, एक नहीं हजारों वर्ष तक जिस माने भगवान के आने का इंतजार किया, ऐसे भक्तों के जानने योग्य श्रीमद् भागवत कथा है। ये भागवत कथा कोई लड्डू नहीं है कि हर कोई जाकर के ले लो महाराज बट रहा है तो जाकर के एक लड्डू हमें भी दे दो, हम भी खाना चाहते हैं। 18,000 श्लोकों की ये मंत्र संहिता है, 12 स्कंद है। चौबीस अवतारों का इसमें विशेष तरह से व्याख्यान है, भगवान के प्रत्येक अवतार की कथा है। एक से एक उपाय बढ़कर के इसमें लिखा है, और एक बात तो विशेष इसमें लिखी है कि हम भागवत न सुन पाए कोई बात नहीं, अगर भागवत की पोथी के भी दर्शन हो जाए तब भी हमारा कल्याण हो जाएगा। और ऐसा भी ना हो केवल भागवत जी से स्पर्श होकर के वायु हमें स्पर्श कर ले तब भी हमारा कल्याण हो सकता है, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा। और सबसे अंतिम बात गई नाम गाने सदा रुचि, जो भगवान नामों में सहज रुचि होती है जिनकी, जो भगवान का नाम गुनगुनाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, ऐसे भक्तों के जानने योग्य श्रीमद् भागवत कथा, ऐसे भक्तों के जानने योग्य। और हम तो कीर्तन में भी कंजूसी करते हैं, ताली बजाएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, देखो कथा में बैठ के ताली बजा रहा है। अगर हमने भूल से भी भगवान का नाम ले दिया तो पड़ोसी सोचेगा देखो भैया भगवान का नाम गुनगुना रहा है, नहीं वो संकोच में मर जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम गाने में कोई भी मान शून्यता अपमानता नहीं समझनी चाहिए। आइए दो मिनट भगवान का कीर्तन करें, उसके बाद आगे की कथा का आनंद लें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले नाम गाने सदा रुचि, जो भगवान का नाम गुनगुनाते हैं उनके जानने योग्य श्रीमद् भागवत कथा है। आपने जाना कि श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में सुंदर सत्य की वंदना की, सत्य की वंदना के बाद वो सत्य किन के जानने योग्य है, जो कपट रहित हैं, ऐसे संतों के सुनने योग्य श्रीमद् भागवत कथा है। विषय सिद्ध साधक सयानों के लिए कथा नहीं, जो भगवान पर पूर्ण भरोसा करते हैं। पहले जाने हम कि ये है क्या, ऐसे भक्तों के जानने योग्य श्रीमद् भागवत कथा है। सुंदर नेमी सारण्य की पावन भूमि पर सूत जी महाराज बैठे हुए हैं, सोनकांत 88,000 बैठे ऋषि बैठे हुए हैं। सोनक जी महाराज ने कहा कि प्रभु आपने कल हमें बताया कि भागवत जी की महिमा ऐसी है, लेकिन आज हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप हमें दीजिए। सूत जी महाराज ने कहा कि भैया कहिए क्या प्रश्न है आपके। बोले पहला प्रश्न तो हमारा ये है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, प्राणी मात्र का, प्राणी का परम धर्म क्या है। दूसरा, हमारे शास्त्र अनेक हैं, देवता भी अनेक हैं, इन शास्त्रों का निचोड़ क्या है। तीसरा प्रश्न, परमात्मा कर्तुम अकर्तुम ईश्वर है तो वो फिर अवतार लेता क्यों है, वो जन्म क्यों लेता है, उसको ये अवतार ग्रहण करने की क्या आवश्यकता पड़ती है। चौथा प्रश्न हमारा ये है कि यदि परमात्मा जन्म लेता है तो अब तक कितने अवतार हो चुके हैं। पांचवा प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है। हम जब मंदिर में जाते हैं, शंकर जी को स्नान कराते हैं तो सोचते हैं कि गणेश जी रह गए, गणेश जी को स्नान कराया तो सोचते हैं कि पार्वती जी रह गई, और पार्वती जी को स्नान कराया तो सोचते हैं कि हनुमान जी महाराज रह गए, हनुमान जी को चोला चढ़ाया तो सोचते हैं कि भैरव जी रह गए। हम किसको पूजें, हम भटक रहे हैं। व्यक्ति को परम कर्तव्य क्या करना चाहिए। और सबसे छठवां जो प्रश्न है कि जब भगवान आते हैं, धर्म की स्थापना भगवान आकर के करते हैं, और भगवान जब अपनी लीला को विश्राम देकर के जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में रहता है, ये धर्म किसकी शरण में रहता है। इन छह प्रश्नों का आप हमें उत्तर दे दीजिए, बस हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। और जैसे ही इन प्रश्नों को सुना, सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, आपने तो बड़े सुंदर प्रश्न किए,
और हम बाबाओं के पास जाते हैं तो कैसे प्रश्न करते हैं, वो सब आप जानते हैं। संतों के पास जाकर के तरह तरह के प्रश्न करते हैं, कुतर्क करते हैं जाकर के। संतों के पास जा जाकर के कुतर्क करते हैं, महाराज ऐसे नहीं, वैसे वैसे नहीं, ऐसे। हमें जाकर के संतों के पास जब जाएं तो केवल भगवत संबंधी प्रश्न करें, व्यर्थ की बातों को ना करें कि दुकान ना चल रही हमारी या ये कोई कार्य नहीं बन रहा है, क्या उपाय करें। अरे भैया आप खुद स्वयं समझदार हो, अगर दुकान के बारे में पूछते तो संत फिर वो संत क्यों बनते, वो भी कहीं ना कहीं दुकान चला रहे होते, वो कहीं ना कहीं बैठ करके कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होते, फिर वो संत क्यों बनते। हम संतों के पास जाकर के व्यर्थ के प्रश्न ना करें और कुतर्क ना करें, सबसे बड़ी बात। ये कथा ज्ञान यज्ञ है, ये कथा ज्ञान गंगा है। अगर एक बूंद भी हमें मिल जाए तो समझ लो हमारे हृदय की तृप्ति हो जाती है। और जैसे प्रश्नों की, छह प्रश्नों के बारे में कहा, सूत जी प्रसन्न हो गए, बड़े सुंदर प्रश्न किए। ये तो प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले ये प्रश्न ऐसे हैं, हे ऋषियों, के अगर इनके बारे में कोई सोच मिले तो उसका कल्याण हो जाए। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। पहले जन्म में वो सती मैया थी, भगवान पर संदेह कर बैठी थी, ये तो भगवान मुझे लगते ही नहीं है। देखो एक स्त्री के विरह में रोते हुए दिख रहे हैं, वृक्षों से, लताओं से, जानवरों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा, तुमने हमारी जानकी जी को देखा, ये भगवान हो ही नहीं सकते। और भोलेनाथ कहते हैं कि देवी नहीं, ये वही राम है मैं जिनका ध्यान करता हूँ। पूछती है आप मुझको कि आप किसका ध्यान करते हो, तो ये वही राम है। सती जी को शंका हो गई, लेकिन जैसे ही दूसरा शरीर धारण किया मां पार्वती का, तब सोचा कि मैं अब की बार भूल नहीं करूंगी। और जैसे ही प्रश्न किया, प्रभु मुझे राम जी के बारे में बताओ, राम कथा सुनाओ। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। और जैसे ही कथा के लिए कहा, भगवान ने प्रसन्न मुद्रा में मां पार्वती का धन्यवाद किया। धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, धन्य धन्य राजकुमारी, धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, धन्य 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 राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे पार्वती जी, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। आपने क्या कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा ऐसी होनी चाहिए जो सकल लोक का कल्याण करने वाली है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावन गंगा। देवी एक गंगा तो ऐसी है जो गंगोत्री से निकलती है और जाकर के समुद्र में मिल जाती है, कुछ स्थानों को पवित्र करती है, लेकिन ये कथा गंगा ऐसी है कि जहां तक भी हवा इसकी आवाज जाती है, जहां तक हम बैठकर इसमें गोता लगाते हैं, अवगान करते हैं, हमारा भी कल्याण करती है और ये औरों का भी कल्याण कराती है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावने गंगा। एक जो गंगोत्री से निकली है और एक यहां बह रही है, ये ऐसी पावन गंगा है। हमारे पास 7 दिन है और इन 7 दिनों को हम कथा के रूप से ही कथा का आनंद लें। कथा को व्यथा ना बनाएं। अगर कथा को भी हम व्यथा बना करके सुनेंगे तो फिर फायदा क्या रहेगा।
सुंदर प्रश्न किए, बड़े प्रसन्न हो गए। आपने पहला प्रश्न पूछा कि व्यक्ति का परम धर्म क्या है, लेकिन उससे पहले मैं अपने गुरुजी महाराज के चरणों में प्रणाम कर लूं, हे ऋषियों। तब सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदना करते हैं। यम प्रभुजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनेन्दुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। मैं अपने गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके आपसे निवेदन करता हूँ, हे सूत जी महाराज, हे सौनकादिक ऋषियों। आपने प्रश्न किया कि व्यक्ति का परम धर्म क्या है। बोले सवई पुंसा परो धर्मो यदो भक्ति रचोक्षजे अहे दुख्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। व्यक्ति का परम धर्म है भगवान से अहेतु की भक्ति करना, भगवान की अहेतु की, कोई हेतु ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, ऐसी भक्ति भगवान की करे तो वो व्यक्ति का परम धर्म है। अहेतु क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। स्वार्थ की भक्ति ना करे, ये व्यक्ति का सबसे पहला परम धर्म है। केवल बच्चों के लिए धन कमाना परम धर्म नहीं है, जाकर के ऑफिस में बैठना परम धर्म नहीं है, दुनियादारी के कोई भी कार्य करना परम धर्म नहीं है, भगवान से निश्चल प्रेम करना ही परम धर्म है, भगवान की निश्चल भक्ति ही करना प्रेम धर्म है। लेकिन हम मानने वाले नहीं है, हमसे तुम्हारा स्वार्थ के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। जहां हमें लाभ दिखेगा तभी तो हम कदम उठाएंगे। जब हमारे हृदय में लोभ जागृत हो जाएगा और लोभ के बाद लाभ की लालसा लग जाएगी तभी हम उस कार्य को करेंगे, अन्यथा करेंगे ही नहीं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जो जीव भगवान से अहेतु की भक्ति करता है उसके वो परम धर्म है। कैसी अहेतु की भक्ति होनी चाहिए? एक राजा था महाराज, और राजा के पास कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े यज्ञ कराए, बड़े बड़े अनुष्ठान कराए, बड़े बड़े सिद्धों को ला करके उसने अपने घर पे बिठा दिया कि मेरे मेरे कोई संतान हो जाए, मेरे बाद इस राज्य को संभालने वाला कोई मिल जाए। बड़ा पा गया, कोई संतति नहीं, बड़ा परेशान रहने लगा। तो किसी ने कहा कि राजन, आपने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, इतने बड़े बड़े कार्य अनुष्ठान आपने कराए हैं, एक काम ना करो। बोले क्या? एक रामदास करके एक महात्मा है, उनसे आशीर्वाद ले आओ, उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाए तो शायद आपके यहाँ संतति हो जाए। बोले ठीक है भैया, जब इतना कार्य मैंने किया है तो ये कार्य और भी करके देख लेता हूं। तो रामदास जी के पास जाकर के कहा, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है और आने वाले समय में इस गद्दी का भोग करने के लिए कोई संतति मेरे पास नहीं है, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। संत ने आशीर्वाद दिया, समय अनुसार उसके एक बालक हुआ, संतति की प्राप्ति हुई। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, देखो देखो मेरे घर बालक हो गया, बड़ा सुंदर महोत्सव उसने मनाया, बड़ा सुंदर आयोजन रखा। आयोजन में पता है क्या रखा उसने? एक नाचने वाली वेश्या को बुलाया। बोले मेरे मेरे बेटा हुआ है, और एक सुंदर वेश्या को बुला करके सुंदर नृत्य का आयोजन कराया, अपने आने वाले सभी अतिथियों का मनोरंजन कराया। सुंदर महोत्सव चल रहा था तो उसी व्यक्ति ने कान में आकर के कहा, महाराज ये सुंदर आयोजन जो आप करा रहे हो ना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वह महाराज को भी तो बुला लो, जो जिस महाराज की वजह से आपको ये सुंदर संतान प्राप्त हुई है। तो राजा ने कहा, ठीक है उनको भी बुला लो। एक दूत गया महाराज जी को लेकर के आ गया, सुंदर आयोजन हुआ। और जैसे ही सुंदर आयोजन हुआ, सुबह सुबह विदाई होने लगी, राजा सभी अपने मिलने वालों को विदा कर रहा था, सभी को विदा कर रहा था। तो किसी ने कहा कि जो महात्मा आए हैं उनका भी कुछ सम्मान रख दो भैया। बोले बिल्कुल,
तो सभी की विदाई कर रहा था, महाराज जी को मिले 30 रुपए। कितने मिले? 30 रुपए। द्वार पर आए हुए अतिथि का सदा सम्मान करना चाहिए। तो ऐसा अंदर भाव नहीं होना चाहिए। परम धर्म व्यक्ति का केवल यही है कि अहेतु की भक्ति भगवान के चरणों में करे, जैसे गोपियां करती हैं, हनुमान जी महाराज करते हैं, बड़े बड़े संत अहेतु की भगवान की भक्ति करते हैं। तब सूजी महाराज ने कहा कि ठीक है, चलो आपने मान, आपने कहा, हमने मान लिया कि भगवान की अहेतु की भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद हमारा प्रश्न है प्रभु कि हमारे अनेक शास्त्र हैं, उनका निचोड़ क्या है? बोले उनका निचोड़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उन सब का निचोड़ श्रीमद् भागवत कथा है। ये पंचम वेद है, इसका हमें रसास्वादन करना चाहिए। फिर प्रश्न किया कि भगवान के अब तक कितने अवतार हो चुके हैं? तब सूजी महाराज ने कहा कि भगवान के अब तक 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार होने वाला है। जय जय मीन बराह कमट नर हरि बल बामन, जय परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन कराया। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों का पहला अवतार हुआ। दूसरा अवतार भगवान का बराह रूप में, जब हिरण्याक्ष ने अधर्म का ज्यादा बोलबाला कर दिया तब भगवान ने बराह रूप धारण किया। तीसरा अवतार भगवान का नारद जी के रूप में हुआ। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में। पांचवा अवतार भगवान का कपिल देव के रूप में, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। छठवा अवतार भगवान का दत्तात्रेय जी के रूप में, जिन्होंने 24 गुरु बना करके सुंदर शिक्षा ग्रहण की। सातवा अवतार भगवान का यज्ञ अवतार। आठवें अवतार में ऋषभ देव जी के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। और नौवां अवतार राजा ने प्रथु राजा के रूप में भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने भगवान से ही 10,000 कान मांगे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, राजन क्या मांगते हो? तो कहा कि प्रभु इन 2 कानों से आपकी कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, आप मुझे ऐसे 10,000 कानों के सुनने की क्षमता प्रदान करें जिससे मैं आपकी कथा गंगा का कानों के द्वारा पान करता रहूं। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य रूप का अवतार हुआ। 11वां कच्छप अवतार भगवान का हुआ। 12वां धन्वंतरी, जो अभी दीपावली से पहले आपने, जिसको हम धनतेरस कहते हैं, उस दिन धन्वंतरी जी महाराज का प्रागट्य हुआ। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी रूप का हुआ। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह भगवान के रूप में हुआ। 15वीं बार भगवान वामन रूप में अवतार लेकर के आए और 16वीं बार भगवान परशुराम जी के रूप में आए। 17वीं बार भगवान व्यासी महाराज के रूप में आए, जिन्होंने इस कथा की रचना की, 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बनाए। उसके बाद भगवान का रामचंद्र के रूप में अवतार हुआ। 19वां और 20वां अवतार कृष्ण और बलराम के रूप में हुआ। 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, जिनके द्वारा निम्बार्क संप्रदाय चली। 23वां बुद्ध अवतार और 24वां अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा। बोले कल के भगवान की। 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है। ये 24 अवतारों की विशेष चर्चा भागवत जी में हुई। तब कहते हैं सूत जी महाराज, हे ऋषियों, भगवान के एक अवतार नहीं, भगवान के 1000 अवतार हर समय हर पल होते रहते हैं। कभी ये नहीं समझना चाहिए विशेष रूप में ये अवतार हैं। तब कहते हैं प्रभु, चलो हमने मान लिया कि ये इतने अवतार हैं। अब आप कथा के बारे में कह रहे थे कि ये कथा गंगा वेद रूपी कल्प वृक्ष है, लेकिन ये बताओ कि ये आपको कहां से प्राप्त हुई? मान लिया
बोले ये कथा मैंने सुखदेव जी से शुक्रताल में जब राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे थे तब इसका मैंने रसास्वादन किया था। बोले अच्छा, इसके बाद में मैं आपको इस कथा को सुना रहा हूं। तो एक बात बताओ प्रभु, आप अभी कह रहे थे, आप जब आपने जब अपने गुरुजी महाराज का ध्यान किया था उस मंत्र में बोल रहे थे, यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपा यनो विरह कातर आजुहाव। जब पुत्र का जन्म हुआ, सुखदेव का जन्म हुआ, तो सुखदेव सीधे वन को चले गए, माता पिता को छोड़ करके वन को चले गए। और अभी आप कह रहे हैं कि सुखदेव जी ने इस कथा को सुनाया, ये बात समझ में नहीं आई। तब कहा कि भैया, जब सुखदेव जी वन को तो चले गए, पीछे से पिताजी विरह में आतुर होकर के पुत्र पुत्र कहते हुए कि पुत्र लौट के आजा, पुत्र लौट के आजा, मैं तेरा पिता हूं, लेकिन लौट करके नहीं आए, लौट करके नहीं आए। तब जाकर के सूत जी महाराज ने कहा कि भैया, जब वो लौट करके नहीं आए तो व्यासी एक दिन चिंतातुर होकर के बैठे थे, पुत्र चला गया, बुढ़ापे की लाठी था वो भी चला गया, क्या करना चाहिए। तभी नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने जब चिंता सुनी तो अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया। बोले मैंने संतों की कृपा से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में मैं प्रकट हुआ हूँ, आप एक काम करो, मैं आपको कुछ मंत्र दे रहा हूँ, इन मंत्रों को लेकर के आप भगवान की लीला का वर्णन करो। और सुंदर चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को दी और जब व्यास जी ने इस भागवत को विस्तृत वर्णन किया तब जाकर के उन्हें शांति मिली और कुछ शिष्यों को बुला करके इन मंत्रों को रटाया। बोले भैया, इन मंत्रों को यथा तथा जगह गाइए। और जैसे ही मंत्रों को सुना, सुखदेव जी महाराज को उन मंत्रों से बड़ा प्रेम हो गया, बड़ा सुंदर सुंदर मंत्र गुनगुनाया। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिसं वैजयंतीं चमालां रंद्रान वेणु रद्र सुदया पूरयन् गोप वृंदै विन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। पहला श्लोक जैसे ही गुनगुनाया तो भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, सुखदेव जी के कान में पड़ा। बोले ठीक है, ये जिसका नाम ले रहे हैं वो इतना सुंदर है। सुखदेव जी ने सोचा कि जब वो इतना सुंदर है तो उससे मिलना चाहिए। आंखें खुली मिलने के लिए आतुर हुए, लेकिन एकदम रुक गए, बैठ गए दोबारा से। बोले सुंदर है, लेकिन सुंदर व्यक्ति में अभिमान होता है कि हम सबसे ज्यादा सुंदर हैं। सुंदर के साथ साथ अभिमान हो तो हमें उस अभिमानी से नहीं मिलना। तभी उन शिष्यों ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगासया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृजताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजेमा। भैया वो सुंदर तो है, लेकिन सुंदर के साथ साथ वो बहुत दयालु भी है। दयालु कैसे है? अहो वकीयम, बकासुर की बहन पूतना स्तनों से कालकूट विष लगा करके आई कि मैं इस बच्चे को मार दूंगी। उसको भी कन्हैया ने अपने जो माता को गति दी जाएगी, वर्षों बाद वही गति उस पूतना को कन्हैया ने दे दी। सुंदर के साथ साथ वो दयालु भी है। आज सुखदेव जी ने सोचा कि फिर तो उससे मिलना चाहिए। सीधे उन बच्चों के पास आए और जैसे ही बच्चों के पास आए तो कहा कि भैया और सुना। बोले हमारे पास तो, हम तो केवल प्रचारक हैं इस कथा के। फिर बोले ज्यादा अधिक ग्रहण करना है तो ऐसे एक हमारे गुरुजी हैं उनके पास है। बोले क्या है तुम्हारे गुरुजी का नाम? बोले मेरे गुरुजी का नाम है व्यास जी। अरे वही व्यास जी जो मेरे पीछे पुत्र पुत्र कह के भाग रहे थे, वो तो मेरे पिताजी भी हैं। और सीधे सुखदेव जी ने आकर के अपने पिताजी से इस कथा गंगा को सुना। फिर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इस कथा को सुनाया। सूत जी कहते हैं सौन का अधिक ऋषियों, जब गुरुदेव भगवान इस कथा को सुना रहे थे तो वहीं बैठ करके भी इस दास ने इस कथा को सुना।
इस कथा को वहीं सुना और वही श्रीमद् भागवत जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई थी वही मैं आपको सुनाऊंगा। मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा। तो यहां से अब श्रीमद् भागवत में श्रोता वक्ता का जन्म हो गया। अब श्रोता का जन्म, तो श्रोता के जन्म की कथा महाभारत में प्रवेश, क्योंकि महाभारत काल के परीक्षित जी महाराज। वक्ता का तो जन्म हो गया, सुखदेव जी तो आ गए, कथा भी सीख ली, लेकिन श्रोता भी तो प्रकट हो। तो आइए श्रोता के जन्म से पहले एक छोटी सी भावांजलि भगवान के श्री चरणों में निवेदित करते हैं, उसके बाद सुंदर कथा में प्रवेश करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। ओ मेरी लगी श्याम संग प्री कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्री दुनिया क्या सभी गाइए। मेरी लगी श्याम संग प्री कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्री दुनिया क्या जाने। हाँ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। सभी गाइए। हाँ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन कामी कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगे श्याम संग प्री कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्री। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए जय हो। ये बताओ ये भजन किस किस को याद है, जाओ माताएं बैठी तुम्हें अपनी पड़ोसन की सौगंध है, सही सही बताओ, जिस जिसको याद है वो मेरी तरह हाथ ऊपर खड़ा करें, याद है? तो फिर ऐसे ही केवल एक ही माता जी को ये भजन याद है कि बाकी तो हम सब तुप ही ठीक है। हाँ छबी लकी मैंने श्याम की जब से, छबी लकी मैंने श्याम की जब से, छबी लकी मैंने श्याम की जब से, छबी लकी मैंने श्याम की जब से। अरे भाई बाबरी मैं तो तब से, भाई बाबरी मैं तो तब से, हाँ भाई रे बाबरी मैं तो तब से, भाई बाबरी मैं तो तब से। बदी प्रेम की डोर मोह से, बंदी प्रेम की डोर मोहन से, अरे नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए
मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, अरे मन में बस गई प्यारी मूरतिया, मन में बस गई प्यारी सूरतिया, अरे मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया। जिस आनंद की तलाश आप कर रहे हो ना, तीन दिन तक नहीं मिलेगा, तीन दिन तक तो केवल ये समझो कि भागवत है क्या। जो आनंद आपको चाहिए वो सोमवार से मिलेगा। अब पहले आपको सीधा सीधा मिठाई दे दी जाए तो खा के चले जाओगे, तीन दिन तो आप इधर लुढ़कोगे कभी उधर लुढ़कोगे, चौथे दिन से व्यवस्था बनेगी। हाँ मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, अरे मन में बस गई प्यारी मूरतिया, मन में बस गई प्यारी सूरतिया, लोग कहे मैं तो भैरे बाबरिया, लोग कहे मैं तो भैरे बाबरिया, लोग कहे मैं तो भैरे बाबरिया, लोग कहे मैं तो भई बाबरिया। मैंने छोड़ी जग की रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई मैं क्या क्या जाना, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, अरे जग लागे सारा बेगाना, जग लागे सारा बेगाना, अरे जग लागे सारा बेगाना, जग लागे सारा बेगाना। अब तो केवल गोविंद पाना, अब तो केवल गोविंद पाना, रूठ जाए चाहे सारा जमाना, रूठ जाए चाहे सारा जमाना, फिर होगी प्रेम की जीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हाँ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी क्या हो लगी, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, हो मेरी लगी। महाराज जी हमारी लगन ना लग रही है, आप कितनी भी लगाने की कोशिश करो, हम तो अपनी लगन में ही मस्त हैं, जो पुरानी लगन है हमारी है। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, और मुझे मिल गया मन का मीर कि दुनिया क्या जाने, हर दम मैं तो रहूं मस्तानी, मैं तो अपने मस्ती में मस्त रहती हूं, लोक लाज दीनी बिसरानी, और मैं गाऊं खुशी के गीत की दुनिया क्या जाने, मेरी गाऊं श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। सुंदर सुखदेव जी महाराज ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई।
सूजी महाराज कहते हैं हे सोन का ऋषियों, यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरेश्वतो वीर गतिं गतेषु व्रकोदरा विद्य गदा विमर्श भ्रगनोरुदुंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। वो गदा युद्ध का समय, कौन सा युद्ध? जिस समय दुर्योधन और भीम भैया में गदा युद्ध हुआ भयंकर। गदा युद्ध का नियम है कि कोई भी जंगा से नीचे वार नहीं करेगा, लेकिन भीम भैया ने वार कर दिया। दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी, दर्द से करा रहा है, भयंकर वेदना उसके मन में हो रही है, पीड़ा को सह रहा है, लेकिन इसको वरदान मिला हुआ है क्या कि या तो ज्यादा प्रसन्नता होगी तब जाकर के इसकी मृत्यु होगी, या फिर ज्यादा ये दुखी हो जाएगा तब इसकी मृत्यु होगी। जंगा टूट चुकी है, नियम ये था कि जंगा से नीचे वार नहीं करना। यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरेश्वतो वीर गतिम गतेश। सुंदर गदा का प्रहार हुआ, दुर्योधन करा रहा है, लेकिन उससे पहले भगवान आए शांति दूत बन करके, भैया दुर्योधन तूने युद्ध का निमंत्रण भेजा है, ये युद्ध अच्छी बात नहीं है, ये युद्ध अच्छी बात नहीं है, इस युद्ध की विभीषिका को तू नहीं जानता है, कितनी माएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ये जो पृथ्वी है खून से रक्त रंजित हो जाएगी, और तू युद्ध की बात करता है। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि सूच्य ग्रेवन या दास्यामी बिना युद्धे न के सब, हे गोविंद सुई की नोक के बराबर भी भूमि इन पांडवों को नहीं दूंगा, बिना युद्ध के, बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक के बराबर भी। पहले युद्ध करना, युद्ध में अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा, और ये जीत गए तो ये इस राज्य पर राज करेंगे। भगवान कहते हैं राजा मानो बचन हमारो, भीष्म द्रोण कर्ण दुर्योधन सब मिले मतो विचारो। एक बार विचार कर लो सभी इकट्ठे होकर के, कि युद्ध करें या ना करें। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो सुई की नोक की बराबर मैं भूमि नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, उन पांच पांडवों की तरफ से मैं तुम्हारे पास शांति दूत बन करके आया हूँ, पूरा राज्य मत दो, केवल पांच गांव उनको दे दो, और पांच गांव देने पर मैं उनको संतुष्ट कर दूंगा, पूरा राज्य भी मत दो उनको, आधा राज्य भी मत दो, केवल पांच गांव दे दो। तब कहा कि भूमि न दे हो सुई की नोक रण संग्राम बचार। सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, जो जीतेगा वही इस भूमि पर राज करेगा। क्षत्रिय कुल को यही धर्म है, कोई जीतो कोई हारो। क्षत्रियों का यही धर्म है, या तो हारेंगे या फिर जीतेंगे। भगवान के मना करने पर भी घनघोर युद्ध हुआ महाराज महाभारत का, इतना विशाल युद्ध हुआ, हजारों लाखों लोग इस युद्ध में मारे गए, अनेक अनेक माताएं विधवा हुई, अनेक अनेक बच्चे अनाथ हो गए, कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से रंजित हो गई, और भीम भैया की गदा के प्रहार से आज वो स्थिति बन गई कि दुर्योधन करा रहा है। तभी क्या हुआ, गुरुजी का पुत्र अश्वत्थामा आया, मित्र तेरे ये दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा। अश्वत्थामा के मन में लालसा थी कि दुर्योधन एक बार हमें राजा बना दे, राजा ये स्वयं है सेनापति बना दे, तो मैं इसको जिता करके पूरा राज्य दे दूंगा और पांचों पांडवों को नष्ट कर दूंगा। ये जो आज घरों में झगड़े होते हैं लेने देने के पीछे, घर के पीछे, खेत के पीछे, ये नए नए होते हैं, पीछे से ही चले आ रहे हैं। अश्वत्थामा ने कहा कि एक बार सेनापति तू मुझे बना दे, मैं पांचों पांडवों को तेरे सामने झुका करके रख दूंगा। दुर्योधन ने सोचा कि इसके मन में सेनापति बनने का भाव है। अश्वत्थामा ने कहा कभी तूने दादा भीष्म को सेनापति बनाया, कभी कर्ण को सेनापति बनाया, लेकिन तूने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा कि इस
सेना में भी कोई एक वीर योद्धा ऐसा है जो सेनापति बनने के काबिल है। तूने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, और सुन तू मेरा मित्र है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तू एक बार मुझे सेनापति बना दे। बोले ठीक है, तेरे मन में ये भावना है तो जा, मैं तुझे अभी से देख, मैं अभी मरा नहीं हूं, भले ही मेरे दर्द हो रहा है, करा रहा हूं, मेरा प्राणांत नहीं हुआ है, और जा मैं तुझे वचन देता हूं सभी के सामने कि मेरी सेना का सेनापति मैं तुझे आज से नियुक्त करता हूं। रोली चावल तो थे नहीं, जो रक्त निकल रहा था शरीर का उसी से तिलक कर दिया कि जा मेरी सेना का सेनापति तू है। और जैसे ही सेनापति बना, सेनापति बनने के बाद कहा कि देख मैं सेनापति बन, तूने मुझे बनाया है, और 24 घंटे में उन पांचों पांडवों का सर मैं तेरे चरणों में रख दूंगा, नहीं तो तुझे मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुर्योधन ने हंसकर के कहा कि भैया हम 100 के 100 मिट चुके हैं और वो पांचों के पांच अभी तक बने हुए हैं, तू अकेला उनको कैसे मिटा करके हमारे सामने रख सकता, हमारे सामने कैसे रख सकता। दुर्योधन ने कहा कि ठीक है तू आज से सेनापति है अश्वत्थामा। दुर्योधन के पास से अपने परकर को लेकर के आया, सोचने लगा कि मैंने वचन तो दे दिया है, मैं इसको इन पांडवों को कैसे मारूं। तो रात्रि का समय था, देख रहा था कि कोई बड़ा पक्षी छोटे छोटे पक्षियों को मारता हुआ घूम रहा है, तो सोचा कि मैं इन पांचों पांडवों को सोते हुए मारूंगा। मैं पांचों पांडवों को सोते हुए उनका सर धड़ से अलग कर दूंगा, सर से धड़ अलग कर दूंगा। रात्रि में नंगी तलवार लेकर के उन पांचों पांडवों के शिविर की तरफ वो बढ़ने लगा, और जैसे ही बढ़ने लगा उससे पहले ठाकुर जी ने एक लीला कर दी। क्या? उन पांचों पांडवों के पास आकर के बोले सुनो आज तुम्हें विजयश्री प्राप्त हुई है, एक काम करो, अब आप इस शिविर में बहुत दिन रह लिए, तुम्हें विजयश्री की प्राप्ति हुई है, आज आप अपने नए शिविर में जाकर के राज साई सुखों का आनंद लें और इस शिविर का त्याग कर दें। पांचों पांडवों को लेकर के भगवान उस शिविर से चले गए, लेकिन क्या हुआ कि उस शिविर में आकर के पांचों पांडवों के जो पांच पुत्र थे वो आकर के सो गए। दुई हाथ निवारो सके जन को कहा बिगार, नारायण रखवार है जाके भुजा है हजार। अगर भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और गोविंद का हाथ हमारे ऊपर, पूरी दुनिया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जाको राखे साईया मार सके ना कोई।